कि हमने मास एनर्जी रिलेशन पढ़े हैं, तो फिर तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मास कैन बी क्रिएटेड एंड मास कैन बी डिस्ट्रॉयड, अगर आप उन बातों पे जा रहे हैं तो, जी सर, ठीक है? क्योंकि ऐसे हमारे पास जो है वो फिजिक्स में प्रोसेसेस हैं जिसमें मास क्रिएट होता है और मास डिस्ट्रॉय भी होता है, सही है? अगर आपको मतलब इस बात के बारे में मालूम नहीं है तो आप जो है वो पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में जाके पढ़ सकते हैं और एनिहाइलेशन ऑफ मैटर के बारे में भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो काइंडली मास की बात ना की जाए उसमें, क्योंकि यहाँ पे आप जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूजुअली जो आमतौर पे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है? ये मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वहां मत लेके चले जाइएगा उसको। अच्छा, अब एक एक मिनट मैं बता। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें वो था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें। अच्छा, किसी की रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे ख्याल है यहाँ पे एडमिट। अली शायान और एक और कोई। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपके पास मतलब आपसे ही पूछा जा रहा था कि इसमें कोई जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है तो उसका इस प्रैक्टिकल से या जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इससे ताल्लुक है, तो उसमें मैंने देखा जो अक्सर बच्चे मतलब जिन बच्चों का मैंने एक मेजर मिस्टेक पकड़ी वो ये कि लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो भाई आपको इस लेवल पे आके इतना तो पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी खुद भी मैकेनिकल एनर्जी है। आप उसको लिखें तो जरा प्रॉपरली, आप बताएंगे कि पहले जो वाटर एक एलिवेशन से आ रहा होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है? और वो जब वो फ्लो करता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर जब वो जाके टर्बाइंस को स्ट्राइक करता है वो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड एट द एंड वो जो जनरेटर का कॉयल है जब वो रोटेट होता है जो कि शाफ्ट से कनेक्ट हुआ होता है टर्बाइन और वो जनरेटर का कॉयल, तो उसकी वजह से वो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कुछ बच्चों ने ये बात लिखी भी है प्रॉपरली। अब ये थोड़ी कि बिल्कुल ही मतलब आप ऐसा वेग लिख रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। भाई आप खुद बताएं ना, आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसमें पोटेंशियल और किनेटिक दोनों आती है ना हमारे पास। तो ये क्या बात हुई कि आप लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में? कौन सी मैकेनिकल एनर्जी में वो लिखें, और किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसके बाद हो क्या रहा है, कैसे मतलब किस तरह ये प्रोसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह उसमें जो है वो सूटेबल है, किस तरह उसमें चल रही है, वैलिड है, वो बताया ही नहीं है। ज्यादातर ने ऐसे यही लिखा हुआ है दो लाइन में, बस वो जान छोड़ाई है। अच्छा, क्वेश्चन 3 मेरे ख्याल है सबका ही सही हुआ है, उसमें इशू नहीं है। उसमें शायद ये लिखा हुआ था कि अगर एक उसको स्फेयर को नीचे से ऊपर जो है वो थ्रो किया जा रहा है इस वाले प्रैक्टिकल में, और वो जितनी हाइट अचीव कर रहा है वो 120 सेंटीमीटर है, यही थी ना आई थिंक, तो 120 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया था कि इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करें। अब इससे लेकिन मैं लिंक कर रहा हूँ एक चीज को, वो जरा गौर से सुनिएगा। दोबारा से मैंने ये शेयरिंग की है व्हाइट बोर्ड की, देखें आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। एक मिनट,
ये यूज कर रहे थे ना, और ये मैंने आपको बताया भी था। ये आप यूज क्यों कर रहे थे, पहली बात। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन 3 में सबने गलती की है, उसकी वजह ये है कि आपको यही नहीं पता कि आप ये यूज करते क्यों हैं और कब करते हैं। ख्वाजा साद और हसन मुस्तफा भी मैंने आपको ये बताया था। देखें, ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GH, ये आप उससे भी निकाल सकते हैं। यानी फ्री फॉल मोशन पे जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं अंडर ग्रेविटी, वहां से भी ये चीज आ सकती है। और ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगा के, यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ ड्रॉपिंग, जब आप एक चीज को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होती है उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है, तब ये आप लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो आप एक्सप्रेशन लगाते हैं ना, ये वाला याद रखिएगा कि लॉस इन, लेट से अगर ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो आप बोलेंगे लॉस ऑफ पीई इज इक्वल टू गेन इन के ई, और अगर नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो आप बोलेंगे लॉस ऑफ के ई। मैं लिख देता हूँ, यही है ना। अब जो आप अगर फॉर्मूला ये लगा रहे थे, ये अब आप में से मुझे कोई प्लीज ये बताएगा, कोई भी, कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने हाफ एमवी स्क्वायर लिखा है, ये आपने लिखा क्या है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? जो लॉस हो रही है सर वो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल उसकी, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी यानी जिस वेलोसिटी से आपने सर, उसको, इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप ऊपर फेंक रहे हैं ना। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस वेलोसिटी से आप उसको ऊपर फेंक रहे हैं। ये बेसिकली ना आप लॉ ये बोलते हैं कि हमेशा जो टोटल सम होता है ना एनर्जी का, यानी किनेटिक प्लस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, वो कांस्टेंट होता है। ये है असल थीम कंजर्वेशन का, मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन का असल थीम यही है कि पोटेंशियल और किनेटिक का टोटल सम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट वो कांस्टेंट होता है। अब जिस पॉइंट पे अगर वो इनिशियली जमीन से लॉन्च हो रहा है, जमीन से नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो एट ग्राउंड लेवल उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, सिर्फ क्या होगी? किनेटिक एनर्जी। यानी इन शॉर्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज लिखी है ये लिखी किनेटिक और पोटेंशियल का सम ही है, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है उस पोजीशन पे जहां से वो लॉन्च किया जा रहा है, तो सिर्फ बचती क्या है? किनेटिक एनर्जी। अब आप अगर राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे जो लिखा हुआ है एमजीएच, ये एमजीएच ये नहीं बता रहा कि ये किसी भी हाइट पे जाएगी तो ये हाफ एमवी स्क्वायर के बराबर ही होगी। ये एमजीएच ये बता रहा है कि ये भी टोटल एनर्जी की वैल्यू है, ये भी टोटल एनर्जी की वैल्यू है। किस पॉइंट पे पता होना चाहिए आपको, बताएगा कोई? सर टॉप पे है ना सर, टॉप जी फिर से बताइएगा क्या बोलने। पे है ना सर। टॉप पे, टॉप का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। जी सर, हाँ मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी पोटेंशियल जीरो एनर्जी। होगी। यस, फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो होगी इसका मतलब किनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो जीरो हो गई खत्म, ना सर। एनर्जी खत्म हो गई। इसका जी मतलब सर, ये आप एमजीएच सिर्फ जब लिख सकते हैं व्हेन एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी जीरो है। यानी आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे किनेटिक एनर्जी है ही नहीं, और किनेटिक एनर्जी नहीं है का मतलब है वेलोसिटी नहीं है, और वेलोसिटी नहीं है का मतलब है कि बॉल या स्फीयर अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंच चुका है। लेकिन अगर तो एक सर इस सवाल, वर्किंग के मार्क्स कटे हैं, क्या कह रहे हैं, इस वर्किंग के जो है मार्क्स कटे हैं। इस सवाल में तो किसी के मार्क्स ही नहीं कटे ना। तो सर वो पहले वाले में और पहले किसी के पहले वाले में भी कटे हैं, किसी के दूसरे वाले क्वेश्चन, में कटे हैं सर। किसी 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 के कटे हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना अभी आपसे, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, थर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब तक थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा पूरी तरह, तब तक आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन नहीं बता सकता। ठीक है? ओके सर। अब इसमें ये जो राइट हैंड साइड पे MGH लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि ये उस पोजीशन पे मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, जहां पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, और क्योंकि मैंने यहाँ पे किनेटिक एनर्जी राइट हैंड साइड पे नहीं लिखी, इसका मतलब वो जीरो है, और वो जीरो है उसका मतलब वेलोसिटी जीरो है उस पोजिशन पे जिसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ इस इक्वेजन के, और वो होती है टॉप मोस्ट हाइट। सही ना? टॉप मोस्ट हाइट का मतलब लेट से अगर नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो 120 सेंटीमीटर तक अगर जा रहा है तो 120 सेंटीमीटर ही उसकी टॉप मोस्ट हाइट है। सही है? लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं जब क्वेश्चन नंबर आप आएंगे, ये कौन सा है, थ्री था ना ये, हाँ फोर पे, फोर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो एक ऐसी हाइट बताएं, ऐसी हाइट जिस पे, अच्छा हाइट एक बात याद रखिएगा, हाइट हमेशा रिलेटिव टू ग्राउंड होती है, रिलेटिव टू टॉप मोस्ट पॉइंट मत दिखाया करें हाइट को। कुछ बच्चों ने हाइट की वैल्यू निकाली है टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट से, हालांकि हाइट हमेशा लेवल ऑफ ग्राउंड के रेस्पेक्ट से होती है। जिनका आंसर हाइट का क्वेश्चन नंबर फोर में 0.8 मीटर्स है, दैट इज करेक्ट, या 80 सेंटीमीटर है, या किसी ने 0.7978 लिखा है, 0.78 मीटर्स या 79 सेंटीमीटर, तो वो भी सही है। ठीक है, किस तरह बता देता हूं मैं, रेजर का भी ऑप्शन है इसमें। उसमें आपसे ये पूछा था कि ऐसी हाइट बताएं जिसपे इनिशियल किनेटिक एनर्जी टू थर्ड जो है वो क्या हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो, यही था ना शायद सवाल। हैं भाई यही था सवाल? जी सर। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मतलब अलग अलग मेथड से किया है वैसे, दो तीन ने, लेकिन सबका जिनका आंसर जो है वो एच की वैल्यू 0.8 आई है वो बिल्कुल सही आई है। तो इस तरह की है, लेट से मैं किसी का बताऊंगी, किसी ने ऐसे किया अगर कि 2/3 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच प्राइम, इस तरह किसी ने लिखा है कि ये एम जी एच प्राइम वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? जितनी ये वाली जो किनेटिक एनर्जी है खत्म हो गई है, यानी 2/3 ऑफ इनिशियल किनेटिक एनर्जी। यहाँ से फिर किसी ने जो है वो एम से एम काट दिया है, सही है, ओके। फिर ये 2 से 2 काट दिया है, चलें ये भी ठीक है, सही है। और फिर जो है वो आपके पास, क्योंकि एच प्राइम अगर निकालना है तो एच प्राइम यहीं रहा, और ये वी स्क्वायर और नीचे आ गया था आपके पास 3 और जी, सही है। फिर वो मेरा ख्याल है वेलोसिटी की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग ने जो निकाली थी वो शायद 4.85 थी, तो उसका स्क्वायर जो है आई थिंक 24 हो जाता है, तो 24 और नीचे अगर आप 3 और g की वैल्यू को 10 ले लें तो 30 हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू h प्राइम, सही है। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, वही आ जाएगी, अगर 3 के टेबल से काटने तो नीचे 10 से कट जाएगा और ऊपर 8 से, तो वही 8/10 यानी के 0.8 मीटर्स। ठीक है, ये वाला तो पार्ट मेरा ख्याल है ज्यादातर ने सही किया हुआ है, मेरे ख्याल दो तीन ने आंसर निकाला इसका 0.4, तो उन्होंने ना 0.4 जो निकाला है वो टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट से निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि टोटल 120 सेंटीमीटर है ना, यानी 1.2 मीटर, तो जिसने 0.8 मीटर निकाला है वो तो जमीन के रेस्पेक्ट से निकाला है, और जिसने 0.4 मीटर निकाल लिया है उसने क्या किया, उसने टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट से निकाल लिया। तो वो मैं कह रहा हूँ
सूलन इस तरह आंसर देना नहीं चाहिए। हाइट हमेशा रिलेटिव टू ग्राउंड होती है, रिलेटिव टू टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं होती। ठीक है चलें, खैर अब इसके बाद वाला पार्ट इसके बाद वाले पार्ट में पूछा था कि अच्छा अब आपको हाइट तो पता चल गई ना, यानी इतनी हाइट पे इनिशियल किनेटिक एनर्जी का 2/3 पोर्शन खत्म हो चुका है। अब उस हाइट पे बताओ किनेटिक एनर्जी कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई पॉइंट है, सही है, जिसपे 2/3 किनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। पूरी तो नहीं हुई ना खत्म, पूरी तो खत्म नहीं हुई। अगर पूरी किनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हुई इसका मतलब वो टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट तो है नहीं, और आपको पता है क्योंकि अभी आपने टॉप मोस्ट पॉइंट थोड़ी निकाला, 0.8 आई है मीटर, 1.2 मीटर तो आई नहीं है। तो इनिशियल अगर किनेटिक एनर्जी आपके पास, लेट से उसको आप हाफ एम बी स्क्वायर लिख रहे थे, ठीक है, उस पॉइंट पे जहां इनिशियल किनेटिक एनर्जी का 2/3 पोर्शन खत्म हो चुका है, 2/3 खत्म हुआ है मतलब कुछ ना कुछ तो किनेटिक पार्ट भी है, और क्योंकि वो बुलंदी पे आ चुकी है तो पोटेंशियल का पार्ट भी है, तो किनेटिक पार्ट है ना अपनी जगह। तो उसको मैं, अब मास तो नहीं बदल जाएगा, बेसिकली वेलोसिटी बदल चुकी होगी, मैं यूं लिख सकता हूँ हाफ एम वी प्राइम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कौन सी वाली, एम जी एच प्राइम, ऐसी है। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, इनिशियल वैल्यू क्या थी, यहां थ्रू आउट आप इक्वेशन में से मास को कैंसिल कर सकते हैं? Yes. मास कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें, इनिशियल वैल्यू आप लोग ने शायद निकाली थी 4.85 ना, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी लिखी हुई है क्वेश्चन 3 में 4.85, तो उसका स्क्वायर 24 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 24, चाहे तो चेक भी कर लें, 4.85 का स्क्वायर यही होता है ना, 24/2 इक्वल टू हाफ वी प्राइम का स्क्वायर प्लस जी और एच। अब ये एच कौन, एच के साथ प्राइम लिखा हुआ था मैंने ऊपर ना, यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ लिख दिया मैंने। एच प्राइम क्या है, ये वही हाइट है जिसपे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है कि 2/3 ऑफ किनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, इसी बल्कि इसी सवाल के पहले पार्ट में निकाला है आपने। तो ये वाली हाइट कितनी आई थी, 0.8, तो 0.8 को जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको 10 ले लें, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब ये 24/2 कितना होता है, 12। ये जो राइट हैंड साइड पे 8 लिखा हुआ है इक्वल टू के राइट पे, वो लेफ्ट पे आके हो जाएगा माइनस का 8, सही है, इक्वल टू 1/2 वी प्राइम स्क्वायर। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका ना, ताकि बच्चों को बाद में कोई सेंड कर दूंगा तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो देख भी लेंगे, ऊपर से मिटा रहा हूँ। अब तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा आप लोग को, जो 4 और ये जो नीचे 2 था v प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू
वी प्राइम का स्क्वायर, यानी वी प्राइम का स्क्वायर 8 के बराबर है, तो वी प्राइम कितना हो जाएगा 2√2 है भाई। और टू रूट टू की वैल्यू शायद आप निकालें तो 2.8 कुछ आएगी, चेक करके देखें। जी सर। ये वाहिद सिर्फ पूरे दोनों सेक्शन में लाके, यानी तकरीबन 75 स्टूडेंट्स में से एक बच्चे ने सही किया है, सिर्फ एक बच्चे ने। और यकीनन वो एक बच्चा, जब एक ही बच्चे ने सही किया है तो उसने किसी का ना तो मतलब किसी से छापा है ना किसी फ्रेंड से पूछा होगा। मतलब एक होता है ना कि तो कोई तो ऐसे भी होता है कि छाप देता है, इसको पता ही नहीं है कुछ भी ना, उसने छाप दिया। कुछ ऐसे होते हैं कि वो बाहमी मशावरत करते हैं कि यार तुम बताओ इसमें अच्छा ये होगा, चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसमें ये होगा, फिर आपस में कुछ डिसाइड हुआ कि चलो भाई ये तय पा गया, ऐसे करेंगे। लेकिन इस बच्चे ये तो अलग ही लाया कहीं से ना, और बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको वाहिद ये है जो बच्चा, ये क्या नाम है, मिर्जा मोहम्मद अली, इसको मैंने 24.5 मार्क्स दिए। वैसे मैंने कभी भी असाइनमेंट में 24.5 नहीं रखता था, लेकिन क्योंकि मैंने 24.5 से कम जो मैंने मार्क्स दिए ना इस दफा, दैट इज 23.5 किसी के नहीं मिलेंगे आपको। तो इनको मैंने जो डेढ़ नंबर की एक तरह से आप समझ लें सिग्निफिकेंस दी है, वो इस चीज पे दी है कि ही गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट, और इन्होंने सारे सवाल सही किए। अच्छा, मतलब इनकी ये जो भी हैं मिर्जा मोहम्मद अली, इनकी प्रेजेंटेशन मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी थी। मतलब जब मैं देखा, मैंने कहा यार इतना कोई खास तो नहीं लग रहा, मतलब ऐसे ही बस बच्चे ने कर दिया। बट मैंने उसे गो थ्रू किया तो उसमें हर चीज़ सही थी बिल्कुल। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी लेकिन हर चीज़ सही थी, हर चीज़। ये सवाल भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ हुआ था, ठीक है। सो वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा किया तुमने। कि मतलब इसलिए मैंने लिखा था ना आउटलायर, आउटलायर का मतलब था जो जो एक इंसान सबसे बिल्कुल अलग अलग चलता है। मतलब मेरा ख्याल है किसी ने इनसे पूछा भी नहीं होगा कि भाई तुम भी कुछ मशवरा दे दो क्या कर रहे हो, ठीक है। कोई मतलब जो सबने जो भी मशवरा किया होगा जिस तरह भी, तो किसी के जहन में ये बात नहीं आई, ये सिर्फ इनके जहन में आई बात कि भाई इस तरह करना चाहिए। खैर, तो समझ आ गई आप लोग को ये चीज। पर बात सिर्फ इतनी सी थी, आप जो है वो राइट हैंड साइड पे आप सिंपली वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे जो दो एक्सट्रीम्स का होता है। हालांकि ये इन बिटवीन का पॉइंट था, एक्सट्रीम था ही नहीं। तो जब इन बिटवीन का पॉइंट है तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी किनेटिक एनर्जी खत्म होकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है, बल्कि पोटेंशियल के साथ साथ किनेटिक पार्ट मौजूद है। क्या हुआ भाई, कहां गए सब? हैं भी चले गए हैं सब। समझ आ गया आप लोग को ये? अच्छा, आखिरी वाला जो है, आखिरी वाले में भी जरा मैं बता दूं भाई, मैंने तो जिंदगी में कभी भी नहीं देखा, आज पहली दफा कल मैंने देखा है जो मैं बता रहा हूँ कि लोग जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लिख रहे हैं उसमें, क्या नाम है, एक ऐसी एनर्जी इक्वेशन में जिसमें एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है मतलब ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से आ रही है और नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोग लिख रहे हैं म्यू टाइम्स आर, कोई लिख रहा है म्यू टाइम्स एम जी है भाई। और अगर छोटी सी बात करूं मैं, अगर ऑब्जेक्ट ना नीचे से ऊपर जा रहा है, चेंज कर, ये जमीन है, यहां से ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, ठीक है। इनिशियली तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, किनेटिक एनर्जी यानी के ई। आइडियल केस में क्या, अगर फ्रिक्शन ना हो तो इसको एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जब फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है कुछ वर्क को जाया करती है, तो उतनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचेगा जितने पे पहुंचना चाहिए, है ना। तो यानी फ्रिक्शन क्योंकि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, सही है। तो आप लिखोगे माइनस एफ एक्स
इक्वल टू एम जी एक्स, ये जनरल इक्वेशन है फॉर दिस पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट। लेकिन जो मैक्सिमम जहां तक पहुंच जाएगी, यानी एच मैक जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हाइट की, उसके लिए आप लिख देंगे के ई माइनस एफ एच इक्वल टू एम जी एच। ये केस है जब नीचे से ऊपर जा रही होती है बॉल, जब ऊपर से नीचे आ रही होती है तो उसको फ्रिक्शन को किस जगह रखना होता है ये आपको पता होना चाहिए, कि उसके लिए इस तरफ नहीं रखेंगे। उसके लिए फिर आप एक्सप्रेशन लिखते थे, क्या याद है किसी को? हैं भाई क्वेश्चन रिपीट कर। उसके लिए इक्वेशन मतलब, अगर ये तो, ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी है ये तो क्वेश्चन फाइव का आंसर है भाई, क्वेश्चन फाइव का ना आंसर है ये उस केस के लिए जब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो नीचे से ऊपर जा रही थी ना बॉल। अगर ऊपर से नीचे आ रही हो तो कोई बताएगा क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी? MGH minus FH equals to KE। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा मैंने पहली इक्वेशन में x क्यों लिखा है? x इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो सकती है रिलेटिव टू ग्राउंड। एच हम उसको लिखते हैं जो जितनी मैक्सिमम हाइट तय करता है, तो जनरली कोई भी इन बिटवीन अगर पॉइंट होता है उसको हम एक्स लिख देते हैं। जैसे कि मैंने दरमियान में दो तीन डॉट डाले हैं, ऊपर से नीचे आते हैं एच ही यूज करेंगे, एक्स नहीं करेंगे ना। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भी आप जो है वो एक्स यूज करेंगे, लेकिन जब आप बॉटम पे बिल्कुल पहुंच जाएंगे तब आप कह सकते हैं एच। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट के बराबर ही होगी, जिस हाइट से ड्रॉप हुआ है वो पूरी हाइट तय कर चुका है आप। ओके सर, थैंक यू। सही है ना? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा वैसे एवरेज जो नंबर है मैं बता देता हूँ, मतलब ज्यादातर बच्चों के जो मार्क्स आए वो 21 और 22 आए, आप लोग अपने चेक कर लीजिएगा। मैंने अच्छा बहुत ज्यादा कोई नंबर काटे नहीं है भाई, जिसने गलत किया है कोई, मतलब एक सवाल में कोई चीज गलती की है तो मैंने जो है वो मतलब पांच में से समझ लो चार नंबर साढ़े तीन नंबर तो दिए ही हैं, तभी तो आपके 21-22 नंबर बन रहे। सही है, बाकी अब कोई बोले कि नहीं पूरे क्यों नहीं दिए, तो भाई पूरे तो मैंने मिर्जा मोहम्मद अली को भी नहीं दिए। सही है, जिसने सब कुछ सही किया है उसको भी मैंने 24.5 दिए। वैसे मैं 23.5 हाईएस्ट देता था, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों ने ये सिर्फ एक पार्ट गलत किया था लेकिन बड़ा खूबसूरत और जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ असाइनमेंट दिया, उनको मैंने 23 दिए थे मार्क्स ना, तो फिर मिर्जा मोहम्मद अली को मैंने एक डिस्टिंक्शन दे दी डेढ़ नंबर के साथ 24.5। सही है, आप लोग को सब बातें क्लियर हैं? अच्छा अब जो आपका वो है ना एक्सपेरिमेंट, वो बेसिकली कंप्यूटेशनल है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, तो उसका एक सॉफ्टवेयर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर बताऊंगा। एक वेबसाइट है उस पे, मतलब कोलोराडो यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उस पे जो है वो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़ी जबरदस्त तरीके से ना एनालाइज कर सकते हैं। वो पहले भी कराया जाता था उस पे यहाँ पे लैब में, तो वो मैं पहले पूरी वीडियो बनाऊंगा फिर आप करके देखिएगा तो आपको उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा वो। और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, तो इसको एंड कर दें मीटिंग को।